Thank you. Awards hain. So it's only and completely curated by film critics. Hum sab log pure saal filmein hi dekhte hain, filmein hi analyze karte hain. So this is a celebration of the films we love and we think should be awarded for being such excellent movies. Of course. नहीं नहीं बहुत सारे टेक्नीशियंस को टेक्नीशियंस के बगैर तो फिल्म बन ही नहीं सकती सो वी आर एब्सोल्युटली सेलिब्रेटिंग टेक्नीशियंस वी आर सेलिब्रेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ सिनेमा वी आर सेलिब्रेटिंग और सिर्फ हिंदी सिनेमा इतने नहीं है देयर आर सेवन अदर लैंग्वेजेस बीइंग अवार्डेड सो इट्स अ पैन इंडिया अवार्ड छोटी सी शुरुआत है एवरी ईयर वी होप टू एड मोर मोर लैंग्वेजेस एंड वी जस्ट होप दैट इट विल बी अ ग्रेट स्टार्ट मेरी फेवरेट फिल्म थी बधाई हो बेस्ट एक्टर इज अ वेरी टफ वन देयर वर सो मेनी रियली अमेजिंग परफॉर्मेंसेज आई थिंक रणवीर इन पद्मावत आयुष्मान इन अंधाधुन विनीत सिंह इन मुक्काबाज रणबीर इन संजू दे वर ऑल टेरिफिक टेरिफिक परफॉर्मेंसेज यू नो वी ऑलवेज हमारी गिल्ड अब ऑलमोस्ट एक साल पुरानी है एंड वी डिड लास्ट ईयर हमने एक शॉर्ट फिल्म अवार्ड्स किए थे एंड वी थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन अवार्ड दैट हैज़ क्रेडिबिलिटी दैट हैज़ ग्रेविटास एंड दैट इज सोल्ली ड्रिवन बाय द सिनेमा इसमें और कोई कंसिडरेशन नहीं है इट्स ओनली अबाउट द मूवीज ओप्स सो वी वर वेरी कीन कि हम शॉर्ट फिल्म्स के बाद एक फीचर फिल्म्स के लिए करें और सिर्फ हिंदी फीचर फिल्म्स नहीं लेकिन और फीचर फिल्म्स और लैंग्वेज फीचर फिल्म्स के लिए भी करें सो दैट्स वेयर द आइडिया स्टार्टेड थैंक यू थैंक यू थैंक यू Hi.
मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सारे अवार्ड हमें मिल जाएँ जितने नॉमिनेशन हैं और बहुत सारे अवार्ड हम घर पर लेकर जाएँ. बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिज़ाइन, एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी एंड एंड बैकग्राउंड म्यूजिक. सॉरी, मतलब लकी तो मैं ये फील कर रहा हूँ कि इतने सालों की जो मेहनत है, 7 साल से हम करीब एक फिल्म बना रहे थे, तो मुझे लगता है कि जब इतना वैलिडेशन मिलता है, इतना प्यार मिलता है, तो आपको लगता है कि यार आपकी मेहनत सफल हुई कहीं ना कहीं. अवार्ड बहुत मायने रखता है क्योंकि एक तरह से वैलिडेशन है कि लोग आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, तो आपको हौसला मिलता है, आपको लगता है कि यार आप करेक्ट ट्रैक पे हो, तो आप और दिल लगा कर काम करते हो. एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ मैं, जिसका भी नाम नहीं बता सकता मैं, और बहुत बड़ी वेब सीरीज़ है ये, और एक दो फिल्मों की बात चल रही है जो मुझे लगता है कुछ ही दिनों में अनाउंसमेंट आना चाहिए. थैंक यू. हेलो. ओके सर, तो सबसे पहले तो जानना चाहिए क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज की शाम सफाई में. एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अवार्ड मिले कुछ, एंड लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्रिटिक्स गिल्ड का ये पहला अवार्ड शो है, और उसके जो पहले नन्हे कदम पड़ रहे हैं उसमें हम लोग उस प्रोग्राम में शिरकत होने का हमें जो मौका मिला है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ. नॉमिनेशन बेस्ट एक्टर में है, बधाई हो के लिए, और टफ कंपटीशन है, बाकी लोग भी हैं, लेकिन इतने अच्छे प्रोग्राम में शिरकत होने का जो भाग लेने का जो मौका मिला है वही बड़ी बात है मेरे लिए. बहुत खुशकिस्मत महसूस करता हूँ मैं अपने आप को, और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी गई और उसको बहुत सुंदर तरीके से हमारे निर्देशक अमित ने पर्दे पर उतारा, तो कह सकते हैं कि उनकी मेहनत, उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है और उसका जो रिज़ल्ट है, उसका जो तारीफ़ें हैं मैं ले रहा हूँ उनके बिहाफ पर. अभी फ़िलहाल नहीं. थैंक यू. हेलो, हाय. एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं उनको अवार्ड मिले, और बहुत अच्छी फिल्मों को नॉमिनेट किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस को नॉमिनेट किया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स हैं, क्योंकि दिस इज़ द रियल फीडबैक दैट वी गेट एज एक्टर्स. बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए मुझे नॉमिनेट किया है मंटो के लिए, जिसमें मैंने सफिया मंटो का रोल किया है जो मंटो की वाइफ थी, एंड या सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी नॉमिनेटेड, इट्स एन ऑनर. एक फिल्म है जो रिलीज़ होने वाली है, थोड़ी कमर्शियल फिल्म है, मैंने ज़्यादातर कमर्शियल फिल्में नहीं की हैं, और थोड़ा कॉमिक स्पेस में अभी तक अनाउंस नहीं हुई, इसलिए मैं ज़्यादा और नहीं बता सकती. थैंक यू. हेलो, कैसे हैं आप? दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग. आई डोंट नो बेटर और वर्स. आई थिंक दे आर मोर डिसर्निंग एंड मोर सिनेमा लिटरेट. सो इट्स ऑलवेज अ बेटर, इट्स ऑलवेज नाइस टू नो वट द क्रिटिक्स थिंक,
And I think ज़्यादातर and I also like the way they write. They always make comparisons with different films and always give us very good feedback on our work. So it's definitely a more discerning viewing than a regular audience. Yeah. मुझे तो आजकल एक भी आज तक एक भी बुरा रिव्यू नहीं मिला सर तो मुझे तो एक बात भी चुभी नहीं इनफैक्ट एवरीथिंग इज बीन रिटन अबाउट मी इज बीन ऑलवेज इनकरेजिंग आई होप वो चलता रहे आई होप आई एम एबल टू इम्प्रेस द क्रिटिक्स विद माय परफॉर्मेंस ऑलवेज सॉरी किस से जब भी क्रिटिक्स को जब भी इस तरह की फीडबैक मिलती है आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फीडबैक दैट वी गेट फ्रॉम द क्रिटिक्स एंड ज़्यादातर हमें अपने काम पर फीडबैक नहीं मिलती ऑडियंस भी मिलते हैं तो अच्छा होता है बहुत हार्ट वार्मिंग होता है कि वो बताते हैं आपको कि उनको फिल्म पसंद आई कि नहीं पसंद आई बट इन डेप्थ फीडबैक किसी से नहीं मिल पाता तो वो क्रिटिक्स से अक्सर मिल जाता है सो आई थिंक डेफिनेटली इट इज़ समथिंग दैट विल हेल्प अस ऑल इम्प्रूव थैंक यू Hi. जितना एक्सपेक्ट करना है मुझे मालूम है बिकॉज आई एम होस्टिंग द शो टुनाइट तो सारी स्क्रिप्ट मेरे हाथ में है बट जब मुझे पहली बार कहा गया था दैट आई बी होस्टिंग समथिंग एज वंडरफुल एंड प्रेस्टिजियस इज दिस आई वाज वेरी एक्साइटेड बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आई थिंक एनी शो इज़ डिफाइंड बाय द ऑडियंस एंड एनी अवार्ड शो इज़ डिफाइंड बाय द ज्यूरी एंड द ज्यूरी इज़ वे टू स्पेशल एंड वे टू प्रेशियस दिस टाइम आई मीन एक काफ़ी फन स्क्रिप्ट है सबको इम्पोर्टेंस दी गई है ज्यूरी मेम्बर्स के हिसाब से आई थिंक द बेस्ट पार्ट व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट वाज दैट द इम्पोर्टेंस दैट रीजनल सिनेमा इज़ गिवन इट्स 8 डिफरेंट कैटेगरीज और यू नो वो पढ़ के बहुत खुशी हुई बिकॉज व्हेन यू हैव सच एन इम्पोर्टेंट अवार्ड शो दैट रियली अपलिफ्ट्स रीजनल सिनेमा इट्स अ ग्रेट वन सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट राइट नाउ आई हैव गॉट अ बिग प्रोजेक्ट दैट्स 5 months old at home so I'm working on that thank you very much hi how are you listen you were very good in the show congratulations sorry hi It's a Critics' Choice Award, so I really hope there's been a lot of films, small films, big films, with great content. So I hope the most lovely films come out there and they win. I am presenting, but I'm yet to find out what I'm presenting. I'm very excited for it. There's a lot of good content that's come out this year, so yeah. Thank you. Yes, of course, I agree with this. I mean, this is Critics' Choice Award, and that too, the first in India for our film industry. So it is very prestigious. How do you Because most of the popular awards that we have, they have one category, Critics' Choice Award. So it means a lot for everybody to have a full-fledged award. My role in Sui Dhaga was Amma's role. I played, and this was my first film ever. So I made my debut and I enjoyed it very much
Amma was not much different from me. Like any other Amma, I was there. Thank you. Thank you. Wish you the best. Hi. सवाल आप करोगे? Okay, fine. Yeah. बहुत high expect कर रही हूँ मैं, और वो भी specially when it is coming from भारती जी and भावना जी, तो मुझे इतना पूरा यकीन है कि ये जो भी awardees को चुनेंगे, वो इतने right और इतने correct होंगे जिसकी कोई हद नहीं होगी, because ये हमेशा एज ए फ्रेंड मुझे मिलते रहे और मैं हमेशा इनसे बात करती रही, तो हमेशा उनको ये लगता था कि अरे यार ऐसा क्यों हो गया और वैसा क्यों हो गया, अब अगर ये भी ऐसा करेंगे तो हम भी पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ और वैसा क्यों, बट आई एम डैम श्योर कि वो लोग बहुत राइटली चूज़ करेंगे अवॉर्ड को, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट देम. ओके, Shakespeare has said in some play, it's time to fear when tyrants kiss. So when critics are giving you awards, you have to be very, very respectful. Anyway, that jokes apart, on a more serious note, I think it's wonderful. And they are critics, are really in a good position to judge films and give proper awards. So I think it will, we will go back gratified and happy. Aap phir aa gaye? चलिए बोलिए. अरे भाई, क्रिटिक्स वो लोग हैं जो फिल्म को समझते हैं, असेस करते हैं, राय देते हैं, उनकी राय पे लोग फिल्में देखते हैं या नहीं देखते हैं, तो वो जिसे अप्रिशिएट करेंगे, और आसानी से करते नहीं हैं क्रिटिक्स चीज़ों को अप्रिशिएट, तो बहुत बड़ी इज्जत की बात होगी जिसे अवार्ड देंगे, कोई शक नहीं. इनका क्रिटिक से क्या ताल्लुक? वो जब जब एडवर्टाइजर्स का फंक्शन होगा ना, उसमें वो सवाल कीजिएगा. एक्सपेक्टेशंस क्रिटिक्स अवार्ड, सो आई फील दैट मज़ा आएगा और कंपटीशन बहुत अच्छा है, बढ़िया है. सर, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई फिल्म जो लोगों को पसंद है वो क्रिटिक्स को, ऐसा मतलब बहुत रेयर होता है. आपकी मूवी है जिसने मतलब ये ब्रेक थ्रू किया है, दोनों को बहुत पसंद आई, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट?
I'm happy that critics have loved the film and और अच्छा कंपटीशन है इस बारी मतलब पिछले साल काफी अच्छी-अच्छी पिक्चरें आई हैं तो क्रिटिक्स के लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल तो हुआ होगा कौन सी फिल्म को अवार्ड देना कौन सी नहीं देना सो आई एम हैप्पी अबाउट इट सी कुछ भी प्रिडिक्ट तो किया नहीं जा सकता कि पिक्चर अच्छी बन रही थी वो हमको समझ में आ रहा था ऑडियंस को कितनी अच्छी लगेगी वो समझना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज किस टाइम पे क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है बट ऑडियंस को अच्छी लगी और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है और क्रिटिक्स को भी अच्छी लगी फिल्म सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट राइटर्स का तो पहला योगदान है मतलब पहले राइटिंग है उसके बाद में कुछ और चीज़ है सो दैट्स द थिंग राइटिंग स्टेज पे है और बहुत सारा काम चल रहा है कास्टिंग चल रही है प्लेयर्स की कास्टिंग चल रही है और सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क व्हिच इज गोइंग ऑन और साथ में पीरियड फिल्म है सो लोकेशन रेकीज चल रही है बहुत सब चीज़ें चल रही हैं वो तुमको पता लगेगा जब पिक्चर मैं शूटिंग में जाऊँगा थैंक यू I am very excited. Actually, I'm here to represent Vicky because he is not here. So, and he's been nominated for the best supporting actor for Kamli Sanju. So, I'm very excited. I hope he wins. But there are some great performances with him. Yeah. So. He's very good. Actually, it's not nothing major. It's just some cut on his face and just a normal thing. He's already started shooting and working. So it's nothing major, nothing to worry about. He's all fine. Thanks. नहीं मैं गायब नहीं हुआ हूँ एक्चुअली बाकी काम ढूंढने के चक्कर में लगा हुआ हूँ मैं एक फिल्म लास्ट ईयर आ गई आई एम डूइंग अनदर वन कॉल्ड भांगड़ा पाले इट्स अ डांस फिल्म सो उसी की तैयारी चल रही है उसी की शूटिंग चल रही है विच इज़ व्हाई आई एम काइंड ऑफ प्लेसिंग हाँ बिल्कुल बहुत बहुत सीखने को मिलता है उनको देखकर एंड कोशिश चल रही है मेरी भी सो देखिए फिंगर्स क्रॉस थैंक यू सो मच Hello. Hello, sir. Good evening to you, all of you. So, sir, what are your expectations from the evening? As usual, all the top critics out here to see the best film get the award, and it'll be there'll be no strings attached or pulled. Last year, was a healthy competition, right? Bollywood industry, because film mein aayenge sare content driven. Indian film industry, no. I say a lot of good Tamil films coming in, a lot of different languages coming in, and it's superb that Anupama ji and Bhaji ji and the rest of the team is doing such a wonderful masan. I think it'll be fun. What do you think, guys? क्या बोलते ब्रो? मेरी जान है तू, तेरी आँख में हमेशा प्यारी है मेरे लिए. दादा एक तो सवाल है. जी. बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो रॉ के चीफ की फैमिली को बहुत बहुत प्रणाम प्यार और शुक्रिया जो आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया उस रोल में
हिंदुस्तान में जो सिक्योरिटी का सीर डाला गया था, आज उस झाड़ के नीचे सारे हम खेल रहे हैं, शुक्र है। क्या बोलूँ, अच्छा लग रहा है कि काम तारीफ कर रहे हैं और काम करने का दिल करता है, काम कर सकता हूँ ऐसा लगता है। आजकल के कंटेम्प्रेरी जो है उसको जिस तरह से उन्होंने मिलाया, जो मिश्रण किया है, बहुत प्यारा है। द स्टूडेंट्स नाउडेज दे ऑल द ओल्ड सॉन्ग्स शुड बी नोन टू देम एंड इट्स अ ग्रेट थिंग दैट द सॉन्ग्स आर बीइंग टेकन इन फिल्म्स व्हिच आर कंटेम्प्रेरी एंड नाउ सो रेट्रो सॉन्ग्स कमिंग इन विल बी नाइस टू नो कि टाइगर को भी मालूम है कि पंचम दा बाबा। Well, I'm expecting an extremely fair judgment since it's a pan-India critics choice award and I'm expecting hopefully the bar to be raised. Yeah. Yes, it's been a good start. Well, we are working on Main Event season 2. We are working on another show. We are working on 2 features with other directors. We are working on Reema and my next film. It's action-packed writing right now. And what about the report to everyone? Just eagerly waiting for it. Let's see where it comes up. Okay, thank you. I mean, because it's a pan-India collective, I think it will be different. I think it's also people that actually are, all they do is watch films. So it is cinephiles, it's proper cinephiles that read about cinema, watch all the cinema, and I'm hoping that it's fairer, and I'm hoping that it's the standard goes higher. Yeah, thank you. Yeah. Oh, thank you. I mean, I don't know. It's lucky. It feels good when you know it does well at the box office, and you have a certain amount of critical appreciation. And the point is, you know,
you have to do something you believe, and you have to do it as honestly and truthfully as you can, and then whatever happens, happens. You know, you can't look at the end result. You have to just enjoy the process. Yeah. Thank you. Thank you. हेलो क्या हाल है हेलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग क्या हाल है कुछ नहीं है मैं भी नॉमिनेटेड हूँ बट और भी जो हमारे साथ के लोग नॉमिनीज हैं सब बहुत बढ़िया हैं ब्रिलियंट हैं तो किसी को मिले मुझे उतनी ही खुशी मिलेगी सब डिजर्विंग और टैलेंटेड लोग हैं एक क्रिटिक्स के लिए एक अभिनेता का वही इम्पोर्टेंस है जो एक फसल के लिए मौसम का होता है कि बारिश नहीं होगी तो भी फसल बर्बाद हो जाते हैं और धूप ज़्यादा हो जाए तो भी बर्बाद हो जाते हैं नमस्कार कैसे हैं प्रभु यार ये पता नहीं वो कहीं किसी जर्नलिस्ट से मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी तो मैंने बता दिया मैं घर शिफ्ट किया हूँ बोले कहाँ पे किया है तो मैं लोकेशन बताया फिर बात निकल गई समंदर सामने दिख रहा है बड़ा सा मेरा इरादा नहीं था और बाकी लोगों ने उसी को खबर बना दी तो घर गाड़ी ये सब भ्रम है मिथ्या है जर्नी इम्पॉर्टेंट है तो किसी को इंस्पिरेशन मेरी जर्नी कर सकती है मेरा घर गाड़ी ये भौतिक चीज़ें हैं ये आज हैं कल नहीं रहेंगी बस हो गया शुक्रिया वो सबको पता ही है देख ही रहे हैं लोग बहुत बढ़िया हम लोग अभी धर्मशाला में थे कमाल की बॉन्डिंग हुई प्रैक्टिस हुआ और बहुत शानदार टीम है वो और इंशाल्लाह बड़ी बेहद खूबसूरत और कमाल की फिल्म बनेगी वो तो बहुत मज़ेदार है वो पूरी टीम पूरी यूनिट कबीर सर स्क्रिप्ट सारे प्लेयर सारे एक्टर हम लोग साथ में थे वहाँ पे हाँ नहीं नहीं यस यस बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है बट मेरा ये उस पर मानना है ना कि ये भौतिक चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट नहीं हैं यात्रा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है घर गाड़ी बंगला सब मिथ्या इधर रह जाएगा आदमी निकल जाएगा हाँ 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 एक फिल्म किया हूँ ना देखो बहुत सारे दोस्त आ गए हैं उनसे भी बातें करो
नहीं नहीं आप सब मानिए, हाँ एक फिल्म मैंने कर ली है और वो देखिए कब तक आती है मुझे भी पता नहीं, बाकी उनका कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं उस फिल्म के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता। अरे यार वो लोग यही तो बांध कर रखे हैं ना, मुंह पे टेप लगा देते हैं कि अभी मत बोलना हमारी फिल्म के बारे में, बट कुछ नहीं है, इंटरेस्टिंग फिल्म है। हाँ तो अब क्या बताऊँ, बस रहने दो। बहुत अभी उसका प्रोसेस चल रहा है, मैं उसके लिए क्योंकि थोड़ा कठिन रोल है मेरे लिए भी, तो मैं उसके प्रोसेस में हूँ, मैं उनसे मिलने भी जाने वाला हूँ अगले महीने हैदराबाद जब वक्त लगा तो अच्छा चल रही है प्रिपरेशन, बहुत कमाल चल रही है। शुक्रिया शुक्रिया। Hi, good evening, how are you? So, expectations to andar ja ke pata chalengi. I'm so sorry, I've been really back-to-back shooting, I have no idea. But I didn't even know the Guild Awards were happening today. And, you know, then Sunday I was reminded and I was like, oh yeah, the Guild Awards are today. But always excited to see the nominations, always excited to see, you know, the actors and the people who I admire. Will be rewarded for the hard work. So I think accreditation, I mean, these are all validations for all the work that, you know, one puts in. I keep telling my family and like, you know, all my relatives, and I'm sure ki aap logon ke saath bhi hota hoga, ki hamari industry jitni glamorous dikhti hai, utni zyada hi gadha mazduri hoti hai. And, you know, so I think it's great validation for all the hours and hours of hard work that one puts into it. आई मीन एक तो ये ग्लैमराइज्ड नहीं है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो नॉमिनेशंस हैं वो बहुत ही वेल अर्नड नॉमिनेशंस हैं, एंड दोज पीपल हैव वर्कड वेरी हार्ड टू बी वेयर दे आर, एंड ऑल ऑफ अस नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू ब्रेक इनटू एन इंडस्ट्री विच इज़ यू नो फिल्ड विद पीपल हु हैव चिल्ड्रेन एंड यू नो इट्स नॉट ईजी, सो फॉर एन आउटसाइडर टू ब्रेक इनटू दिस स्पेस, सो आई थिंक ऑल दोज हु बीन हियर एंड हैव बीन nominated are those who really worked hard and really broken their backs to be here. Why is everybody saying this? What is Shabana? I don't even know what it is. I'm sorry. Who said this? Am I in IMDb? Great, Ranbir, if you're listening to this, please hire me. I'm just doing a lot of shows right now, and those are, I've just finished Marzi with Boot and I'm starting a show. I started today, was my first day with Z, doing a show called Bombers with them. So I'm finishing that and going into another show. So I just have like a couple of shows lined up unless Shamshera comes in. All right, guys. Good evening. Good evening. Aaj ki shaam se. This is the first time Critics' Choice Awards is happening, right? I am really excited about this. This is, I think, a legit award we have finally. Critics play a very important role. मतलब मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जिसका कोई नहीं है टैलेंट का उसका क्रिटिक है. तो आई एम हेयर टू काइंड ऑफ पे माई सपोर्ट टू क्रिटिक्स हु बीन वेरी काइंड एंड जब मुझे कोई नहीं जानता था तब मुझे क्रिटिक्स जानते थे, तो मैं हमेशा इस चीज़ को याद रखूँगा और मैं
बहुत अपने दिल के करीब रखता हूँ इनके वर्ड्स को. जी क्या की हाँ करेक्ट. अभी तो मैंने वही बोला कि क्रिटिक्स पहली बार ऐसा हो रहा है कि कुछ चुनिंदा क्रिटिक जो चुने गए हैं जो गिल्ड के पार्ट हैं वो लोग वोट कर रहे हैं और वो लोग फिल्म जानते हैं सिनेमा समझते हैं सिनेमा की स्टडी करके आए हैं काफ़ी साल दिए हैं कुछ कुछ लोगों के करियर्स 20-25-30 साल के करियर्स हैं. ये बहुत जानकार लोग हैं और इनका बोला हुआ इनके बोले हुए शब्द और इनकी चॉइस में कुछ वजन है तो मैं यहाँ पर उसी चीज़ को सेलिब्रेट करने आया हूँ साथ में. हाउ इज़ लाइफ चेंज आफ्टर गरीब बॉय. लाइफ इज़ चेंज इन अ वे दैट आई बीन डूइंग वर्क फॉर अराउंड 8 years नाउ. It's just that I never really got so many people looking at me and asking me questions, so that has changed. Sorry? नहीं मुझे तो नहीं लगता आसपास के लोगों को पूछना पड़ेगा. What is the next project? There is something happening which I can't talk about right now, but just give me a week, I'll make an announcement. नहीं जोया ने कैटेगरी के लिए बोला है कि वो 2 में बिलीव नहीं करती है. नहीं 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 आई डोंट थिंक सो इफ आई मे बी रॉन्ग बट फ्रॉम व्हाट आई नो शी इज नॉट मेकिंग गली बॉय 2. थैंक यू सो मच बाय बाय. To be quite cool. I think it's a they have a outlook which is slightly different, and it's nice to see that perspective once in a while in this industry, where they appreciate everything. So excited. Thank you. Yay, let's go. Hi, good evening. Hi. Hi. I'm actually really happy to be here. I feel like it's so important that we're giving our critics the due respect that they deserve, because I think their opinions do matter a lot, and this is completely their evening and their choices, and I'm here to be with them and to tell them that I actually do read a lot of what they write and I do listen to a lot of what they say, so I'm happy to be here for that. Actually, I don't know what has been nominated, but I'm going in there. I know that there are nominations across the country, and because this last year and a half, I've also done films down south, so I'm really happy to be here for that. Mujhe nominations nahi pata, I'm going to go and check it out. Thank you.
हिंदी भी कितनी खूबसूरत है. हाँ जी जी. नहीं नहीं ऑफ कोर्स इट फील्स लवली. और ये जो पहला क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स है फॉर फॉर फीचर फिल्म्स एज वेल, आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि मैं इस पहली अवार्ड फंक्शन में शामिल हूँ. एंड या इट ऑलवेज फील्स नाइस जब आप क्रिटिक्स से प्यार मिलता है तो वेदर यू लाइक जो कहे. मैं रिव्यू पढ़ती हूँ ना पढ़ती हूँ, मैं तो पढ़ती हूँ, मुझे तो बहुत खुशी मिलती है. सो या इट फील्स ग्रेट टू बी हियर. नहीं नहीं देखिए आई थिंक एवरीबडी ये जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्रिएटिव इंडस्ट्री एवरीबडी ट्राइज टू पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. जो हम करना चाहते हैं हम वो करने की कोशिश करते हैं. कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी नहीं होता है. एंड दैट्स ऑल्सो समथिंग फॉर अस टू लर्न पिकअप द पीसेज एंड मूव ऑन. ऐसे नहीं है कि हर दिन सूरज बाहर आता है, कभी कभी तो बारिश हो गई. सो या इट्स ऑल अ लर्निंग फॉर एवरीबडी. एनालाइज तो मैं नहीं करूँगी बिकॉज आई थिंक दैट समथिंग दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है. एंड वेन द ऑडियंस डज नॉट एक्सेप्ट अ फिल्म देन द फिल्म शुड नॉट डू वेल. दैट्स जस्ट द वे इट इज़. और हमें बस एक्सेप्ट करके आगे यू नो ट्राई एंड कम बैक एंड ट्राई एंड यू नो मेक श्योर नॉट डिसअपॉइंटेड नेक्स्ट टाइम. शुक्रिया. लेकिन कई बार कई जो स्टेटमेंट्स आपके ऊपर कहा जाता है या जबरदस्ती आपके ऊपर चीज़ें लादी जाती हैं और आपके ऊपर कमेंट किए जाते हैं या कुछ कहा जाता है, आपने कई बार बड़े बड़े खुले दिल से उन चीज़ों को कैसे बोला, लोगों को अप्रिशिएट किया, लेकिन ये कहीं ना कहीं अब तो इफेक्ट करने लगा है आपके परिवार कैसे होते जा रहे हैं. देखिए इफ अगर मैं ऐसी हूँ देन माई फैमिली इज 10 times मोर मच्योर एंड स्ट्रॉन्गर देन आई एम. आई तो मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं है. यू नो आई जस्ट वॉन्ट बी हैप्पी पॉजिटिव वर्क हार्ड यू नो बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ एवरी डे. लोग क्या कहे क्या ना कहे आई शुड नॉट पे अटेंशन टू इट. एंड एवरीबडी हैज़ अ राइट टू यू नो टू से वॉट दे वॉन्ट टू से. मैं बस चुप रहूँगी. दैट्स माई स्टैंड. वी नीड टू टेक इनसाइड. कैसे हो आप? बहुत टाइम के बाद दिखे आप. थैंक यू यार. हाँ मैं मशरूफ ही रहती हूँ. कुछ जिंदगी में कुछ है ही नहीं बचा तो अभी मैं अकेली रहती हूँ. मजाक कर सामने देखूँ. ओके अरे थैंक यू थैंक यू. अरे अरे जितना एक्साइटमेंट आप मेरे लिए दिखा रहे हो मैं भी आपको ही दिखा रही हूँ. आप यहाँ से बोलते ना तो मेरा मन करता है कि मैं आपको देखूं. डन डन. नहीं उनको सुन के यहाँ पे मैं वो हूँ जो सारे रिव्यूज़ देखती है. आई फॉलो एवरीबडी अनुपमा सुचित्रा राजीव मसंत. तो मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि जनरली क्रिटिक्स अवार्ड्स हर अवार्ड शो में एक स्लॉट होता है या दो स्लॉट होता है. तो आई एम एक्साइटेड फॉर देम. एंड अंधाधुन और बहुत सारी ऐसी फिल्में जो मुझे पसंद है आई होप उनको मिले अवार्ड. हाँ
मेरी नसीब है ऊपर वाला मेरे साथ है. अरे यार क्या बोलूँ मैं. अबाउट द फिल्म आई एम जस्ट एक्साइटेड अबाउट इट. मुझे अच्छा लग रहा है. मुझे लगता है मेरी एक विश लिस्ट है सारे खान के साथ काम करना. धीरे धीरे वो पूरी हो रही है. बट या आई एम एक्साइटेड. नहीं नहीं यार मैं क्यों एक्सपेक्ट करूँ. बट ऑडिशन अगर लेंगे तो मैं क्यों नहीं दूंगी ऑडिशन. ऑफकोर्स किस बारे में. मैं खुश हूँ मुझे अच्छा काम मिल रहा है. मैं खुश हूँ. आप बताओ आप कैसे हो. आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो. आई लव यू टू. हाँ जी गुड इवनिंग जी. व्हाट्स हैपनिंग. हाउ आर यू ऑल. यार आई थिंक दिस इज डेफिनेटली गोना बी वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस एंड द मोस्ट रिस्पेक्टेड अवार्ड फंक्शन. आई थिंक वी जनरली नीडेड समथिंग लाइक दिस बिकॉज इन द पास्ट कपल ऑफ इयर्स आई थिंक वी हैव मेड सम रियली रियली गुड सिनेमा. द क्राफ्ट ऑफ फिल्म मेकिंग हैज हैड अ पैराडाइम शिफ्ट. So you really needed an award function which, you know, genuinely brings all the good filmmakers together. So really expecting a lot from this award function. So aapki nazar mein critics kitne important because abhi vijay varma hua hai unka ki jab koi nahi jaata mujhe to mujhe critics jaate hain. So ek aisa ek hai ek matlab that's part ko nazar to what you want to say about. That's a very sweet thing which vijay varma has said and it's very practical as well because I think we all come from the same not only school of thought but also I think school of acting for that matter. Even when Vijay is, you know, my senior from theatre. But having said that, I really want to say that, you know, another reason that these awards and these people are important because number one, see, every profession has a certain kind of credibility attached to it. And you always need to have whatever you're doing, be it acting or be it direction or be it, you know, music direction, you need to have some process to understand that you're going right or you're going wrong. So these are the people who are guiding all of us through and the kind of people attached to this award function are definitely one of the best in the business, are definitely the most respected ones and are definitely the most experienced ones. Yeah. Sir, kaise hain aap? Kya baat hai? Kiske liye? Yaar, I think it has been a really good year and I mean, I really want to thank all the, you know, friends around who always wish the best. Of course, our parents who have definitely, you know, prayed a lot for these days. And I hope these days continue because, of course, somebody will come and go. Somebody will, you know, it'll be somebody's year this year, somebody else's year next year. So I hope this phase continues in a good way. And yeah, that's it. Yeah, I think I've always been a people's person. I've always been, you know, a person who has always had friends and family always going by the side. And especially because I was a radio jockey, so I was always, you know, with my people all the time. And because of the kind of profession I was into, radio for 8 years, you need to find a connect with someone jisko aapne kabhi dekha bhi nahi hai zindagi mein. Unke saath aapko roz ek connect banana padta hai. To jinke saath main roz ghumta hun, unke saath to khatarnak connect hai ye, touch wood. Yeah. बिल्कुल बढ़िया है. टचवुड आई मीन यू नो या नो नो आई मीन टचवुड थिंग्स हैव बीन रियली रियली फाइन नाउ एंड यू नो शी इज आल्सो स्टार्ट गोइंग टू द जिम नाउ. सो आई थिंक टचवुड फिजिकली शी इज फीलिंग फिट एंड मेंटली शी वाज ऑलवेज यू नो सो स्ट्रांग.
यार ये जो बातें आप लेकर आते हो ना हंस की तरह, यही सब तो बातें सुनने के लिए आते हैं लोग यहाँ ना. सो यार आई थिंक आई अगेन से दैट स्क्रिप्ट आई डोंट वॉन्ट टू टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम द राइटर्स एंड द डायरेक्टर्स हू हैव मेड दोज फिल्म्स, चाहे वो आयुष भैया के लिए हो, चाहे मेरे लिए हो, किसी भी एक्टर के लिए हो. सो आई थिंक दीज स्क्रिप्ट जस्ट चूज द एक्टर्स, एक्टर्स डोंट रियली चूज द स्क्रिप्ट, एंड आई मीन यू जस्ट हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, गॉड विलिंग. यार ओके, सो नेक्स्ट वन इज अ फिल्म कॉल्ड कानपुर. I'm really, really excited about that film and really proud of the film because after a really long time I read the script in one go. Normally kuch na kuch aa jata hai to aap kabhi kuch TV pe dekh rahe hain, Netflix pe dekh rahe hain, chai pee rahe hain, koi dost ka phone aa gaya kuch ho gaya, to aap kai baar beech mein ruk jate hain 10-15 minute ke liye. This is a film which, this is a script which I read totally in a, you know, at one go, and I really enjoyed it, really enjoyed shooting for it, and most likely September, October we'll release it. Yeah, thank you so much. Thank you. I'm expecting fairness, and at the same time a film which have been appreciated by the critics. Obviously most of them are deserving, and I'm sure these deserving films and deserving actors will be given the award. Well, I'm as happy as a father as a father should be. Sachi, haan recommend karoge? See you. Yes, yeah, I liked it, and I'm keen that Ajit does a Hindi film too. How's it going? Picture the. Oh. Okay. Oh, yeah. I'm so late. I think it's amazing that they've instituted their own awards. If I may be cheeky. Now maybe the main awards will do away with the critics category, since the critics have their own awards, but you never know. Main to aapki choice rahi hu bas. Happy Easter. See you guys.